स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। आज हम लोग बात कर लेंगे टाइपिंग का इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे एरर करेक्शन जो वहाँ पे देखेंगे आप, रिजल्ट जब निकलता है तो आपका रहेगा 5% एरर है या 7% एरर दिया गया है, उसमें परमिसेबल लिमिट है, उसके बाद अगर आप करते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो ये बच्चों लोगों को बहुत ये रहता है कि कैसे इसका इवेल्यूशन होता है, तो इसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा फिर आप गलती करेंगे। फिर आप भले आपका स्पीड अच्छा हो, सब हो, आप निकाल दें, लेकिन ये अगर आपके नॉलेज में नहीं होगा फिर आप जो है आपका एरर परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे दोस्तों। तो ये ज़रूर आप देख लीजिए। तो पहले तो जान लीजिए मिस्टेक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है फुल मिस्टेक, एक होता है हाफ मिस्टेक, ठीक है। हम लोग फुल मिस्टेक इसको कहते हैं, जैसे देखिए कोई फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर, कोई आपका वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है, सपोज आई विल गो दिल्ली टुमारो, ठीक है, तो आपने क्या किया, आई विल गो दिल्ली नहीं लिखा, आप दिल्ली पूरा हटा दिया, ठीक है, दिल्ली आप लिखना ही भूल गए या नहीं लिख पाए, तो वो आपका पूरा ओमिशन हो गया, ठीक है, तो वो आपका फुल मिस्टेक है। तो वो जो दिल्ली नहीं लिखा पूरा आपका वो एरर में आ जाएगा, वो दिल्ली पूरा वर्ड, ठीक है, मतलब 5 की डिप्रेशन आ जाएगा आपका। दिल्ली कितना 5 लीटर्स है, तो 5 डिप्रेशन की डिप्रेशन। उसके बाद देखिए फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड फिगर, आप कोई दूसरे वर्ड के जगह दिल्ली की जगह अगर मुंबई लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका पूरा मिस्टेक माना जाएगा। उसके बाद क्या, फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, अगर आपका जैसे आई विल गो दिल्ली टुमारो बाय ईयर, ठीक है, बाय ईयर आपका लिखा है नहीं, ठीक है, आपने क्या किया एक बाय ईयर एडिशनल लिख दिया लेकिन आपका बाय ईयर पैसेज में नहीं था, तो वो भी आपका पूरा ये फुल मिस्टेक माना जाएगा। मतलब आपने कोई लेटर हटा दिया उसके लिए, एक दूसरा लेटर के लिए दिल्ली की जगह मुंबई लिख दे रहे उसके लिए, एंड आपको एडिशनल एक वर्ड उसमें डाल दे रहे वो उसके लिए। तो ये तीन कैटेगरी है जिसमें फुल मिस्टेक्स माना जाता है, जितना वर्ड्स होगा जितने आप किए तो उसका पूरा आपको गलती माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब जैसे हाफ मिस्टेक क्या है, हाफ मिस्टेक मतलब आप जितना डिप्रेशन होगा उसका आधा माना जाएगा, ठीक है। जैसे आपने स्पेसिंग एरर दे दिया, वेन नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू वर्ड्स, जैसे आई लाइक, अगर आपने ये स्पेस नहीं दिया और अनडिजायर्ड स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द वर्ड्स और लेटर ऑफ अ वर्ड, जैसे होप आई विल टेक, देखिए ये क्या है, होप आई विल टेक, यहाँ पे दो आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये दो स्पेस आपने डाल दिया तो ये भी गलत है। फिर देखिए आई टेक, ये दो वर्ड के बीच में आपने डाल दिया, ये होना नहीं चाहिए था, तो इसमें आपको आधा एरर माना जाएगा। जो दो, अगर आपने दो स्पेस दे दिया, दो मतलब एक की डिप्रेशन माना जाएगा। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाई वे ऑफ रिपीटेशन और एडिशन और ट्रांसपोजिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ लेटर लेटर्स, ठीक है, जैसे आपने स्लिपिंग को डबल एस करके स्लिपिंग, तो ये भी आपका हाफ माना जाएगा, ठीक है। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, जैसे आपको दिल्ली में डी कैपिटल करना था, आप डी बी कर दिए, ई बी कैपिटल कर दिए, डी ई दोनों कैपिटल कर दिए, तो इसके लिए भी आपको हाफ माना जाएगा, लेकिन ये हिंदी टाइपराइटिंग स्क्रिप्ट्स में नहीं होता, ये इंग्लिश में ही खाली करते हैं। और ये भी जान लीजिए कोई भी आप अगर करेक्शंस करते हैं बाद में पेंसिल पेन से, वो फिर आपका करेक्शन कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब आपको जो करेक्शंस करना है दोस्तों वो आपको स्क्रीन में ही करना है, विद इन द टाइम करना है, एंड ये बोलूँगा आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है आपको स्पीड, नहीं तो आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। देखिए CHSL में 35 वर्ड्स है और DO में तो 50 वर्ड्स है CAG का जो पोस्ट है, तो ये 50 या 35 वर्ड्स लाने में आपको डेली मिनिमम 1 से 1.5 घंटा आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। एक वीडियो ऑलरेडी टाइप के ऊपर दिया हुआ है, आप ज़रूर उसको देखिए, वो बेसिक है। उसके बाद और दो उसका सेशन है, मैं दे दूँगा उसको, तो ज़रूर ये तीन सेशन आप अगर रेगुलर फॉलो करेंगे 1 घंटा करके, तो डेफिनेटली आप अच्छा से 50 स्पीड्स ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसमें थोड़ा सा 35 वर्ड्स तो कर ही सकते हैं, 50 लाने में थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए ये था आपका, जो भी मुझे लगा डेफिनेटली आपका ये सोल्यूशन करेगा, आपको जितने भी डाउट्स रहते हैं इवेल्यूशन कैसे होता है। तो अगर हेल्प करे ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा था, आपको कैसा लगा। एंड जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा चैनल है, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है आपका स्टडी से रिलेटेड, कोई भी जॉब रिलेटेड।
ठीक है, तो मैं हमेशा अपडेटेड देता रहूँगा क्योंकि मैं खुद ही इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, सब मुझे अपडेट मिलता रहता है दोस्तों। तो चलिए इसके साथ ही आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।